राजधानी रांची में 333 साल पुरानी जगन्नाथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। इस यात्रा के अवसर पर 10 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार के मेले के आयोजन में सबसे बड़ी दिक्कत छोटे व्यापारियों को करनी पड़ रही है, क्योंकि मेले के लिए आवंटित जमीन का ठेका हो गया है, जिसकी वजह से 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन हो रहा है, जिसके कारण छोटे दुकानदार अपनी दुकान लगाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। जिनसे बातचीत की लाइव सेवन संवाददाता राहुल कुमार ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को निकलेगी, लेकिन जो मेला में दुकानें लगने वाली हैं उन दुकानदार अभी भी वह अपोह की स्थिति में है। उसके पीछे का कारण क्या है और उसके पीछे डर किस चीज़ का है, हम सीधे दुकानदारों से ही जानेंगे। हालांकि दुकानदार जो है अलग अलग राज्यों से भी आए हैं, पटना से कुछ दुकानदार आए हैं। क्या परेशानी है कि दुकान आप लोग नहीं लगा पा रहे? सर, हमको परेशानी यह है कि हम लोग पटना जिला से आए हैं सर, और हर साल का हम लोग करीब 10 बरस से यहाँ पे दुकान लगाते थे सर। उसको बाद में हम लोग इस बार नहीं, हमको सूचना मिला, हम लोग भूल से यहाँ चले आए। सूचना अगर मिलता क्या भूल मतलब? भूल मतलब कि यहाँ ठीक जानकारी नहीं था कि इतना ठेकेदारी हो गया है, इतना पैसा लगता है फीट के हिसाब से 1500 रुपये फीट का लगा है। कोई बोल रहा है कि इससे 2000 रुपये फीट का लग रहा है, उसका हिसाब से मतलब कि जो हम डर के मारे हम लोग दुकान नहीं लगा। क्या बेचते हैं? माला बेचते हैं, मोती बेचती हैं, बद्दी बेचते हैं, सिंदूर बेचते हैं जी। हम लोग पूजा का आइटम बेचते हैं सर, इसी में हम लोग डर के मारे आज 4 दिन से हम लोग यहाँ परेशानी में। हम लोग 50 रुपया भाड़ा लगता था, 2 दिन या 4 दिन बेचे, और जिसके बाद हम लोग अपना अपना घर चल जाते थे। क्या बेचते थे? यही सब बेचते थे, बद्दी, माला, मती, डाला डोड़ा, लड़कन के हाथ गोड़ के तागा पहनने वाला। बस तो आप लोगों से आपसे कितना पैसा? हम लोग से कह रहा है कि 4000 लेंगे, 50 रुपया के जगह पर 4000 मांग रहे हैं। और भी लोग हैं, आप किस चीज़ का दुकान लगाते हैं? वही हम भी सर, वही हैं दुकान लगाए, माले बद्दी वाला हैं। 1500 के फीट के हिसाब से मांगते हैं। कम से कम 18 साल के लमसम से आ रहे हैं, पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, मगर 18 साल लमसम याद है। इस बार जैसा हम कभी इस मेला में रीजन नहीं देखे इस तरह का। कितना पैसा? 50 रुपये का हम लोग का रसीद कटता था, 51 रुपये का सिर्फ। और इस बार कोई कह रहा 2000, ठेकेदार से बात करने जा रहे हैं तो बात करता नहीं है, आने गजता नहीं है, कहता कि एक ही रेट लगेगा, चाहे जहाँ लगाओ। क्या बेचते हैं? छोटा व्यवसाय है, सिंदूर और किया दिया बेचते हैं। और कहीं मेला में जाते थे? सब मेला करते हैं। हाँ, काम बड़ा मेला कोई पता है? इलाहाबाद, प्रयागराज, कितना पैसा लगता है? देवघर, सोनपुर में कितने? सोनपुर, सोनपुर में हम लोग फुट पर लगाते हैं 50 रुपये डेली में। अच्छा, इलाहाबाद, प्रयागराज? प्रयागराज में एक बार रसीद कटता है 1200 का, 1 महीने का जी। 1 महीने का। और कोई बड़ा मेला बताइए जहाँ पे कम? बड़ा मेला है प्रयागराज, सबसे बड़ा मेला तो वही किए हैं। फिर वो एक बार गंगा सागर गए थे बचपन में पापा के साथ, याद नहीं है। दुकान किधर है आप लोग? दुकान यहीं पर लगता है, यहाँ पर सर। एक दिन हम लोग फुटपाथ पर लगा के जी लेते हैं, गाड़ी भाड़ा निकाल लेते हैं, 2 रुपया बाल बच्चा के लिए हो जाता है। इस बार उम्मीद नहीं है। देखिए, ठेकेदारी प्रथा होने के बाद लोगों की परेशानियां होती हैं, और वो परेशानियां अभी आपको दिखाई दे रही हैं। फुटपाथ व्यवसायी हैं, इनकी दुकानें देखिए, ये दुकानें जो हैं लगाई गई हैं, और कुछ दुकानें जो हैं आप देखेंगे कि ये देखिए जो तिरपाल से ढकी हुई दुकान है, इनकी ही दुकान है। और इन लोगों की दुकानें इसलिए नहीं लग पा रही हैं कि इनकी जो टेंडर हुआ है यहाँ का, इस पूरे मेला प्रबंधन का 75 लाख रुपये का टेंडर हुआ है, और सभी दुकानदारों से पैसा वसूलना है। 10 दिनों तक के दुकानें रहेंगी, दुकानदार 10 दिन तक दुकान लगा सकते हैं, वो चाहे तो 1 दिन तक दुकान लगा सकते। देखिए, ये भी दुकान है। अब इन लोगों से 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट की मांग की जा रही है, और एक सिंदूर बिंदी और माला बेचने वाले व्यक्ति से अगर वो 5 फुट भी पाने 5 स्क्वायर फीट भी जमीन लेता है तो उसको लगभग 10000 रुपये, अगर 2000 के हिसाब से हम देखेंगे तो 10000 रुपये, अगर 1500 के हिसाब से हम देखेंगे तो 7500 रुपये देना होगा। आप समझ सकते हैं कि वो बिंदी और सिंदूर माला बेच के क्या 10 दिनों में 10000 रुपये की आमदनी कर लेगा? अगर वो 10000 की आमदनी 10 दिनों में कर लेगा तो
अगर वो 10,000 इधर दे भी देता है तो बाकी के जो पैसे होंगे, जो बाकी वो अपना 10 दिन का समय दिया, वो घर क्या लेके जाएगा? अब इन दुकानदारों की सूद कौन लेगा, ये तो समझ से परे है। लेकिन ये दुकानदार बिहार के पटना अलग अलग जिलों से आए हैं, उतने दूर से अपना किराया भाड़ा और समय लगा के आए हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में लोग कहता है कि कोई खाली हाथ नहीं जाता है, लेकिन ठेकेदार प्रथा होने के कारण, ठेकेदारों के हाथों में सारी व्यवस्था जाने के कारण लगता है कि भगवान जगन्नाथ के इस दरबार से ये दुकानदार खाली हाथ जाएंगे। लेकिन इस खाली हाथ दुकानदारों के जाने की पीछे की वजह कौन है, क्या कारण है, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन उन इनकी इन जो दुकानदार हैं, वर्षों से जो यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं, इनका क्या दोष है कि आज इन्हें दुकानें नहीं लगाने दिया जा रहा है? क्योंकि ये छोटे व्यवसायी हैं और जितने पैसे मांगे जा रहे हैं उतने पैसे देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब इनकी सूद कौन लेगा, ये समझ से परे। अपने सहयोगी राधे रमन के साथ राहुल कुमार, लाइव से रांची।